बैक टू माई चैनल डेव सुश्री। तो कैसे हैं आप सब, होप एट वेल। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक कॉफ़ी शॉप, मतलब कॉफ़ी प्लेस में, जहाँ पे आपको मिलेगी ढेर सारी वैरायटीज ऑफ कॉफ़ी। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है बट द प्लेस इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है प्लेस और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है कॉफ़ी में। तो वेलकम टू कॉफ़ी करप्शन। करप्शन बस नाम में है, पर कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और ये प्रेजेंट वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। तो कॉफ़ी करप्शन इज़ ए न्यू कॉफ़ी हैंगआउट प्लेस फॉर मी। यहाँ पे उनका कॉफ़ी बहुत वैरायटी में आपको मिल जाएगा, उसके साथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिशेस आपको मिल जाएंगी, जैसे कुकीज़ वगैरह मिल जाएंगी। और क्या क्या मेन्यू में है मैं बाद में बताती हूँ। काफ़ी अच्छा प्लेस है, रोड साइड में है और नीट एंड क्लीन है, एंड दे आर वेरी गुड एट देयर सर्विस। तो मुझे ये प्लेस बहुत ही अच्छा लगा। अभी चलते हैं लोकेशन की तरफ। तो जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है मास्टर कैंटीन स्क्वायर। तो मास्टर कैंटीन स्क्वायर से अगर आप आचार्य भैर की तरफ जा रहे हो, पहले राइट में भी आपको मिल जाएगा कॉफ़ी करप्शन, बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, और गूगल मैप में भी इजीली आपको मिल जाएगा। और एक जगह और एक लैंडमार्क मैं आपको बता देती हूँ, आपको इजी होगा इसको फाइंड करने में। तो देखिए एनवायरनमेंट बहुत ही कूल है, आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, यहाँ पे छोटे बड़े बड़े लॉक्स भी रखे गए हैं, तो बैठ सकते हो वहाँ पे। तो प्रेस क्लब ऑफ उड़ीसा के नियरर टू है कॉफ़ी करप्शन, तो वेरी इजी टू फाइंड। एंड जैसे कि आपने देखा, सिटिंग अरेंजमेंट्स आर रियली नाइस, आप बैठ सकते हो और पेड़ों की छांव भी है, तो इजीली आप बैठ के कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। तो ये है उनका आउटलेट। तो यहीं 2 persons हैं जो कि हमको सर्व करते हैं, इस आउटलेट को संभालते हैं। मेन्यू लिमिटेड है बट क्वाइट टेस्टी आई गेस, रिव्यू भी बहुत अच्छा था। तो अभी चलते हैं, देखते हैं हम मेन्यू में क्या है, तो उसके बाद हम टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी हाउ वाज द कॉफ़ी। तो मेरा पर्पस वही था कि आज मुझे कॉफ़ी पीना था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भुवनेश्वर में बारिश के कारण। तो ये देख सकते हो, कॉफ़ी के साथ साइड आइटम में आपको केक्स, फ्राइज, सैंडविच, कुकीज सारा मिल जाएगा। ये है उनका मेन्यू, वेज और नॉन वेज में सारे अवेलेबल है। कॉफ़ी में बहुत सारे आइटम्स है, विदाउट मिल्क में भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इट्स रियली कूल। तो आप पॉज करके ज़रूर मेन्यू चेक कर सकते हो। तो मेन्यू का प्राइस 70 rupees से 200 के बीच में सारा आइटम आपको मिल जाएगा। तो मैंने ऑर्डर किया था क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन था, तो ऑर्डर दे दिया गया है। तो देखते हैं अभी कैसा आता है हमारा कॉफ़ी एंड व्हाट इज़ द क्वांटिटी। तो इसी प्राइस में आपको दूसरी जगह पर भी कॉफ़ी मिल सकता है, पर दिस प्लेस इज नियरर टू रोड एंड इजी टू फाइंड। तो ये रही मेरी कॉफ़ी की क्लास, आगे मेरी कॉफ़ी क्वालिटी, अभी टेस्टिंग का टाइम है तो टेस्ट करते हैं। तो हाउ इज़ द कॉफ़ी, लाइक I said earlier, तो कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी था। ऑन क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम इट्स वे टू गो फॉर मी। तो मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छा लगा, क्वान्टिटी बहुत अच्छा था एंड विच कॉस्ट 150। तो मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा सा घट सकता था 10-20 rupees, बिकॉज इस पैसे में मैं कहीं पर भी जाके आराम से बैठ के भी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी सकती हूँ। पर एनीवे टेस्ट वॉज गुड। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो दूसरा आइटम की टेस्ट करूँगी और आपको रिव्यू बताऊँगी। तो दोबारा थोड़ा मेन्यू में बता देते हैं। तो उनके पास कॉफ़ी के अलावा बर्गर है, नाचोस है, फ्राइज़ है, चिकन नगेट्स हैं, फिश फिंगर है, वेज नॉन वेज, चाउमिन, मटन और मैगीज भी हैं, बर्गर है, सैंडविच है। तो डिज़र्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉकटेल है, ड्रिंक्स के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, मिल्क शेक्स भी हैं। उसके साथ कॉफ़ी में तो जैसे आपको मैं बताई थी, विदाउट मिल्क में है, कोल्ड कॉफ़ी है और हॉट कॉफ़ी भी है। तो बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगे, तो यू मस्ट कम एंड ट्राई देयर मेन्यू। देन वे दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड यू प्लीज कम हियर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट द प्लेस। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू प्लेस विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय गाइज़।